हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ फरीदाबाद में बने इस्कॉन टेंपल में, जो कि सेक्टर 37 में है। तो आज मैं यहाँ की पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, यहाँ की पूरे दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं इस्कॉन टेंपल फरीदाबाद के। दोस्तों, इस मंदिर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो फरीदाबाद के अशोका इनक्लेव के सी ब्लॉक में है ये मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ का सबसे करीबी जो मेट्रो स्टेशन है वो है सराय, जिसकी दूरी यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर है, जो आप बैटरी रिक्शा या ऑटो से भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो बाहर आपको पार्किंग एरिया भी दिख जाएगा, यहाँ पे अपनी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, काफ़ी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर और आपको करवाते हैं दर्शन। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको राइट साइड में यहाँ पे जूता स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ आप अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल यहाँ जमा करवा सकते हैं। और उसके सामने आपको एक ये किताबों की दुकान दिखेगी, यहाँ से आप कुछ धार्मिक किताबें खरीद सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इस दौरान आप कभी भी यहाँ पे आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी आपको शांति का अनुभव होगा। आप देख सकते हैं ये है मेन गुम्बद इस मंदिर का, और ये है अंदर जाने का मेन मुख्य द्वार। इस मंदिर की स्थापना 2008 में यहाँ पे की गई। तो उसके बाद जितने भी हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार होते हैं वो यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में भक्तगण यहाँ पे पहुँच के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं तो एक बार इस मंदिर में आपको अवश्य आना चाहिए। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा और आनंदमय एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांति और बहुत ही भक्तिमय माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रोजाना इस मंदिर में लोग सुबह और शाम के टाइम आते हैं और भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। और इस मंदिर के परिसर में इस संस्था के जो संस्थापक थे प्रभुपाद जी, उनकी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, उनके भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आइए अब दर्शन करते हैं राधा कृष्ण जी के और भगवान राम जी के, जो माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ यहाँ पे विराजमान हैं। और इस मंदिर में माँ दुर्गा भी विराजमान है, आप माँ के दर्शन कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन होंगे। और यहाँ शंकर जी भी अपने परिवार के साथ विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, फरीदाबाद के जितने भी खूबसूरत मंदिर हैं उनमें से एक है ये इस्कॉन मंदिर। तो आप देख सकते हैं इसकी भव्यता। यहाँ मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपना कलर चेंज करती हैं, और ये इस मंदिर की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगाती हैं।
और इस मंदिर के प्रांगण में ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत दुकान दिखेगी जहाँ पे आपको काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो आराम से ख़रीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें हैं अलग अलग तरीके की, और पुस्तकों के साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारा सामान आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये माला वगैरह यहाँ से आप ले जा सकते हैं, लॉकेट ले जा सकते हैं, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मंदिर की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस जगह के बारे में पता चल सके। और कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें और वो नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी और आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।